तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं मशरूम चिल्ली। होटल और रेस्टोरेंट में तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन घर में हम इसे परफेक्ट होटल जैसा कैसे बनाएं? जब भी हम मशरूम चिल्ली बनाते हैं तो उसमें डालते ही मशरूम क्या होता है, सोगी हो जाता है। लेकिन आज हम इसे इस तरीके से बनाएंगे कि मशरूम हम उसमें डालने के बाद भी ये क्रिस्पी रहेंगे। दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो यदि अगर आपने अभी तक जीएस रसोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बनाते हैं आज की ये मशरूम चिल्ली की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। मशरूम चिल्ली बनाने के लिए 2 पैकेट मशरूम ले लिए हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशरूम को अच्छे से धो के उनमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें सिरका, 1 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पे सिरका ऐड किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमने 5 मिनट के तक बॉईल कर लेना है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है। तो मशरूम को यहाँ पे रख लेते हैं बॉईल करने। तो जब तक ये बॉईल होते हैं तब तक हम इसके लिए बाकी सब्जियां यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। तो मशरूम चिल्ली बनाने के लिए हमने यहाँ पे सारी सब्जियों को काट के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा साइज का प्याज लिया, इसे कप्स में काट के, साथ ही जो हरा वाला प्याज मैंने 1 पाव लिया था, जो हरा वाला पार्ट उसका ये था वो मैंने इस तरीके से काट के साइड में रख लिया है। जो सफेद वाला पार्ट था वो मैंने नॉर्मल प्याज के साथ यहाँ पे के रखा है। साथ ही मेरे पास लाल पीली शिमला मिर्च नहीं थी तो उसके जगह पे मैंने 1 बड़ा साइज का टमाटर को उसका बीज अंदर का निकाल के उसका इस तरीके से डाइस में पीस करके रखे हैं। साथ ही 2 शिमला मिर्च को मैंने यहाँ पे डाइस पीस में कट करके रखा है। साथ ही 2 हरी मिर्च को मैंने यहाँ पे काट के रखा है। 1 टुकड़ा मैंने अदरक को यहाँ पे बारीक चॉप करके रख लिया है। 4 से 5 कली मैंने यहाँ पे लहसुन को चॉप करके रख लिया है। तो लहसुन आपको थोड़ा सा इसमें बढ़ा के रखना है क्योंकि इसमें असली टेस्ट जो होगा लहसुन का ही होगा। सारी चीजें यहाँ पे तैयार करके रख ली है। तो मशरूम को हमने 2 मिनट तक यहाँ पे बॉईल कर दिया है और अब हम इन्हें डाल देंगे तुरंत ठंडे पानी में। मशरूम को हमने यहाँ पे छान के रख लिया है और ये आप देख रहे हैं कितने से हो गए हैं। तो अब दोस्तों, आपने मशरूम के जो ये पीछे वाले डंडियाँ हैं इसको आपने इस तरीके से निकाल लेना है। मशरूम में ना 90% पानी होता है, इसलिए मशरूम को फ्राई करने से पहले उसका पानी अच्छे से सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पीछे का डंठल मैं इस तरीके से निकाल लूँगा और मशरूम को अच्छे से निचोड़ के आपने इसके अंदर डालना है। अब हमने इनका पानी अच्छे से निकाल लिया है, अब इन्हें डालते हैं एक डोंगे में। इसी में डालेंगे हम आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, चम्मच ऐड करेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने मैरिनेट करके रख लिया है, इसे रखते हैं साइड में। अब हम इसके लिए बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे हम 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें बेसन, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमने बैटर तैयार कर लेना है। ये हमने इसका थिक बैटर मैंने तैयार किया है क्योंकि मशरूम भी अपना पानी छोड़ेंगे। अब हम सारे के सारे मशरूम इसमें डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखे हैं, अच्छे से मिलाएंगे। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अलग अलग हम इन्हें रखेंगे ताकि एक साथ ना चिपके, एकदम से इसे हिलाना शुरू नहीं करेंगे नहीं तो जो कॉर्नस्टार है वो निकल जाएगा। तो इसे अब हम पलट लेंगे, ये देखिएगा परफेक्ट क्रिस्पी बने हैं ये। तो ये अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब निकाल लेते हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं ये। इसकी आवाज़ आप सुन लीजिएगा, एक बारी मैं इसकी आवाज आपको सुना देता हूं कि कितना क्रंची ये बना हुआ है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल भी यहाँ पे तेल गंदा नहीं हो रहा है, इजीली मशरूम अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ना ही तो चिपक रहे हैं और क्रिस्पी इतने बन रहे हैं। अब दोस्तों, मशरूम चिल्ली के लिए सॉस तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें डाला मैंने 1 चम्मच तेल। यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसके लिए यहाँ पे डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, साथ ही बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची, और इसे हमने 1 मिनट तक भून लेना है। अब इसमें ऐड कर दिया है प्याज, नॉर्मल प्याज और हरा वाला वाइट स्पॉट को भी एक ही साथ डाल दिया है। आपको यहाँ पे गैस को हाई रखना है। 1 मिनट तक प्याज को यहाँ पे भून लिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, अभी इसमें ऐड करेंगे स्लाइस कटे हुए टमाटर,
ही हरा प्याज और कुछ प्याज मैंने बाद के लिए बचा के रखा है। थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, टमाटर सॉस, थोड़ा सा आलमंड पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची, एक चम्मच विनेगर और हल्का सा नमक। आलमंड पाउडर में भी नमक होता है, सोया सॉस में भी नमक होता है। थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। मीठा के लिए एक चम्मच शहद डाल देंगे, तो आप इसकी जगह पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं। सॉस बनके तैयार हो गई है, अब इसे यहाँ पे बंद कर देते हैं। जब हम इसको सर्व करेंगे तभी हम मशरूम इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो क्या होगा, मशरूम सोगी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो मशरूम हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देते हैं। तो इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे सर्व कर लेते हैं। गार्निश करेंगे इसमें हरा प्याज। तो ये हमारा चिल्ली मशरूम बनके तैयार हो गया है। एक बारी इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक जीएस रसोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जीएस रसोई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस रसोई चैनल।